सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार एवरीवन। तो चलिए पहले हम अपना हिंदी का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्कार। पहले हम अपना 40 मिनट हिंदी का सेशन करेंगे और आफ्टर कंप्लीटिंग 40 मिनट देन विल डू द इंग्लिश सेशन। तो पहले हम हिंदी के सेशन से स्टार्ट करते हैं। एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर की जो सबसे बेसिक चीज होती है, सबसे ज्यादा बेसिक, उसे हम क्या कहते हैं? यानी जब भी एक्यूपंक्चर का नाम आता है या एक्यूप्रेशर का, तो हम सबसे पहले नाम सुनते हैं यिन और यांग का। और जितना भी ट्रीटमेंट है, सारा का सारा यिन यांग के ऊपर ही निर्भर है। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं यिन यांग, फिर यिन यांग के बाद हम इन्हीं यिन यांग को और टुकड़ों में तोड़ देंगे और फिर हम फाइव एलिमेंट के बारे में समझेंगे कि कैसे यिन यांग हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं और कैसे उनको हम कई टुकड़ों में बांटकर फाइव एलिमेंट का निर्माण कर लेते हैं। तो यिन यांग को समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि जब इस जगत में कुछ भी नहीं था, उसे हम कहते हैं जीरो। यानी अब जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, हम कहेंगे जीरो, क्योंकि जन्म के पहले हम कहां थे हमें तो पता नहीं है ना, और किसी को पता हो, हमको तो नहीं पता। तो हम ये मानते हैं कि हम कहीं ऐसी जगह थे, उसको हमने जीरो नाम दे दिया। और आपको पता होगा कि आज तक जीरो डिफाइन नहीं हो पाया आज तक, कि जीरो में आखिर होता क्या है। तो जीरो में हम थे, अब माना कि वहां से सडनली हमारी उत्पत्ति हुई, हमारा जन्म हुआ। जन्म क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर जो चीज पड़ी हुई थी वो एक पौधे के बीज की तरह थी। बीज, जब बीज धरती पर पड़ा है और उसका मन तो है उगने का, पौधा बनने का, लेकिन जब कोई बीज जमीन पर पड़ा है, तब तक समझ में नहीं आता कि ये आखिर इतना छोटा सा बीज पौधा बनेगा कैसे। लेकिन इस बीज के अंदर संभावनाएं होती हैं, इतनी संभावनाएं होती हैं कि ये बीज हो सकता है एक दिन इतना विशाल वृक्ष बन जाए कि हजारों लोगों को फल भी दे, छाया भी दे और लाखों बीज फिर से पैदा करे। तो इसे हम मानते हैं जीरो वर्ड में, कि अभी इसके अंदर संभावनाएं छुपी हैं लेकिन अभी इसने कुछ किया नहीं है, करने की पूरी पूरी संभावना है। जैसे हम में से भी इतने हजारों लाखों लोग हैं, कुछ बीज बनके पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और कुछ में से कुछ निकल के आ जाता है और वो कुछ कर जाते हैं जीवन में। संभावना तो हर व्यक्ति के अंदर है, हर बीज के अंदर है। तो जब बीज में से पहला अंकुर निकलता है, तब शुरुआत होती है। जब बीज फूटता है और उसमें से स्प्राउट बनता है, इसे हमने नंबर नाम दिया वन। अब ये अंकुर ने एक छोटे से पौधे को जन्म दिया, जरा से पौधे को जन्म दिया,
और बाद में ये अंकुर बड़ा होता गया, ग्रोथ करता गया, ग्रोथ करता गया, और इसने एक विशाल काय वृक्ष का निर्माण कर दिया। ये एक विशाल काय वृक्ष का निर्माण कर दिया, ये है एक विशाल वृक्ष। अब देखो वही बीज एक विशाल वृक्ष बन गया, लेकिन एक नियम है। क्या नियम है? कि जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो पहले तो जीव का जन्म हुआ, फिर इसका पूरा का पूरा विकास हुआ, और जितना होना था हो गया, पीक तक पहुंच गया। अब इससे ज्यादा संभव नहीं है। अब क्या होगा? अब उल्टी गिनती चालू होगी। उल्टी गिनती चालू होने के लिए अब पहले कुछ ऐसी एनर्जी फोर्स आएगी कि ताकि इसके पत्ते, ये सबसे पहले तो और जो बढ़ता जा रहा है इसमें ब्रेक लगे। तो पहले तो भाई ब्रेक लगाओ, गाड़ी इतनी तेजी से बढ़ चल रही है, पेड़ इतना तेजी से बढ़ रहा है, थोड़ा ब्रेक तो लगाओ पहले। तो थोड़े समय के लिए तो ब्रेक लगेगा। अब ब्रेक के समय अब ये बढ़ेगा नहीं, ये यहां पर स्टेबिलिटी आ जाएगी, थोड़े समय के लिए स्थिरता आ जाएगी कि पेड़ की इच्छा है बढ़ने की, लेकिन एक फोर्स है जो कह रहा है कि तुम्हारा जन्म हुआ है, तुमको तो मरना भी है, क्योंकि यह तो प्रकृति का नियम है। तो एक तरफ इच्छा ऊपर जाने की और एक फोर्स नीचे खींचने वाला, तो इस वृक्ष का ना तो विकास होगा ना ये वृक्ष नष्ट होगा, कुछ समय यह स्थिरता की अवस्था में बना रहेगा। लेकिन फिर ये फोर्स और तेज होगी और अब इसको पेड़ को झड़ाना चालू करेगी, पत्तियां झड़ा देगी। अब पत्तियां झड़ जाएंगी, पेड़ सूखने लगेगा। अब सूखना ही पड़ेगा क्योंकि यह फोर्स इतनी पावरफुल है। और अंत में क्या होगा कि वापस इसको नष्ट कर दिया जाएगा और इस धरती में मिला दिया जाएगा। और जब धरती में गिरेगा, इससे बहुत सारे बीज गिरेंगे और बहुत सारे बीज यहां पैदा हो जाएंगे। फिर यही बीज पुनः जन्म लेंगे, विकास करेंगे, और फिर से वो झड़ेंगे और नष्ट हो जाएंगे। यही तो साइकिल है जो चलती रहती है, और इसी साइकिल को हम कहते हैं पांच तत्वों की साइकिल, फाइव एलिमेंट साइकिल। यानी पांच एलिमेंट का अर्थ है कि जो चीज पैदा हुई वो चीज जाने वाली भी है। हर एलिमेंट अपना रूप दिखाने ही वाला है। तो हम क्या करते हैं, हम इसी को समझ जाते हैं कि आखिर पैदा क्या हो रहा है। क्योंकि कोई भी चीज पैदा हो, पहले तो पैदा होगी ना, हमारे ग्रोथ हो रही है, हमारे शरीर में अच्छी अच्छी सेल्स बन रही हैं, वो पैदा हो रही हैं, फिर उनका विकास हो रहा है। और दूसरी ओर हमारे शरीर में कैंसर की सेल भी पैदा हो रही हैं, वो भी विकास कर रही हैं। तो हमें यही तो जानना है कि किसको पैदा होने देना है और किसको पैदा नहीं होने देना। ये तो प्रकृति का नियम है, इस नियम का प्रयोग करके ही हमें सब कुछ हासिल कर लेना है। मान लो कोई बीमारी पैदा हो गई अपने विशाल रूप में है, और प्रकृति का नियम लागू कर दो और उसे नष्ट कर दो उसको। तो हमारी हर चीज की पांच अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था जब कोई चीज पैदा होती है, दूसरी अवस्था जब उसका संपूर्ण विकास होता है, तीसरी अवस्था जब हम उसको घटाना चाहते हैं लेकिन वो चीज खुद बढ़ना चाहती है, तो तीसरी अवस्था जब ना चीज घटती है
न बढ़ती है बल्कि स्थिरता की अवस्था में बनी रहती है। और चौथी अवस्था में अब उसको घटना ही पड़ता है, क्योंकि हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं, कहते हैं चलो वापस, तुम्हारा मरना तय है। और पांचवी अवस्था कि जहां से आए थे वहीं समा गए। इन्हीं पांच तत्वों को हम पांच एलिमेंट कहते हैं। हमारे शरीर में अच्छी चीजें भी पैदा होती हैं, तो उनको भी पांच एलिमेंट की साइकिल से गुजरना होता है। लिवर की सेल बनी, लिवर की पूरी ग्रोथ हुई, जितनी ग्रोथ होनी थी हो गई, अब नहीं होगी। और अंतिम अवस्था में जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारा शरीर सूख कर गिर भी जाएगा। तो जब हमारे शरीर में अच्छे सेल्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है तो हम कर पाते हैं, क्योंकि हमें फाइव एलिमेंट की ग्रोथ करना है। और बुरी सेल्स ग्रोथ होना करना चाहती हैं तो हम समझ जाते हैं और उसको ब्रेक कर देते हैं, उसको वापस पहुंचा देते हैं जहां से वो पैदा हुई। इसी को हम फाइव एलिमेंट साइकिल बोलते हैं। तो फाइव एलिमेंट के पहले हमें यह समझना होगा कि जब किसी भी चीज का जन्म हुआ जीरो वर्ड से, वो दुनिया से जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं, तो पहले तो जन्म हुआ बर्थ, और फिर इसकी ग्रोथ हुई। तो इन अवस्थाओं को हम कहते हैं यांग। यांग का मतलब है बढ़ना, बढ़ते जाना, ग्रो करते जाना। यांग का मतलब है ग्रो करना, यांग का मतलब है बढ़ना, उठना, उठना यांग है, उन्नति करना, उन्नति ऊपर की ओर जाना, वो यांग है, ग्रोथ करना यांग है। अब जितना बढ़ना था बढ़ गए, अब तो ब्रेक लगेगा ही, ब्रेक लगना भी जरूरी है। अब मानो ब्रेक ना लगे तो क्या होगा? आपकी हाइट है 5.5 फीट, आपकी पत्नी की हाइट है थोड़ी कम, और बच्चे में यांग ज्यादा हो गया, तो बच्चा 5 फीट 6 फीट 7 फीट 10 फीट 15 फीट रुक ही नहीं रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो प्रकृति को बैलेंस रखने के लिए ब्रेक तो लगेगा ही। तो जैसे ही आपका बच्चा 5.5 फीट का हुआ और उतनी हाइट उसके डीएनए में इनकोडेड है, उसको ब्रेक लग गया, उसको ब्रेक लगा। तो जैसे ही पूरी ग्रोथ हो गई, अब लगेगा ब्रेक, अब लगेगा ब्रेक। तो ब्रेक लगना चालू हुआ, ब्रेक का इंटेंशन तो यही है कि ब्रेक लगाए, लेकिन ये फोर्स तो बढ़ना चाह रही है, उधर से ब्रेक लगा जा रहा है, तो ना बढ़ेगी ना घटेगी, कुछ समय स्थिरता की अवस्था में बनी रहेगी। और फिर ब्रेक तो लगाई हुआ है, इसकी अवनति होगी, अब डिजेनरेशन होगा, घटेगी, सूखेगी, एजिंग होगी, अब डिजेनरेशन होगा, और अंत में ये खत्म हो जाएगी, एंड ऑफ प्रोसेस, पूरा प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा, जहां से आई थी वहीं समा गई, एंड ऑफ प्रोसेस। तो जब ब्रेक लगना चालू हुआ तभी तय हो गया कि अब इसको घटना है। फिर और ब्रेक लगा तो डिजनरेशन हुआ, और ब्रेक लगता गया और वो चीज जहां से आई थी वहीं समा गई, नष्ट हो गई, खत्म हो गई। इसको कहते हैं यिन। यिन का अर्थ है घटना, यिन का अर्थ है, या दूसरे शब्दों में यिन को बोलेंगे कि जहां से आए थे वहीं वापस ले जाना, ये यिन का काम है, यानी गोइंग बैक
टू ओरिजिनल प्लेस, कि जहां से निकले थे वहीं पहुंच गए। इसका अर्थ है यिन। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है सभी को? तो किसी को आवाज नहीं आ रही है? कैसे नहीं आ रही है? कोई ऐसा है जिसको आवाज नहीं आ रही है? इमेज नहीं आ रही है? इमेज अभी थोड़ी देर पहले तो आ रही थी ना। ओके ओके, आ रही है ना? सब आ रहा है। ठीक है जी। देखो, आपका अगर आपके घर का इंटरनेट कमजोर होगा तो गड़बड़ होगा। मेरे पास तो 5G इंटरनेट है, 5G मेरे यहाँ बहुत तेज इंटरनेट है मेरे पास। आपको अपना इंटरनेट देखना है। अगर आपके इंटरनेट आपका इंटरनेट ठीक नहीं हुआ तो आवाज कटेगी, है ना? वो आपको अपना इंटरनेट पावरफुल करना होगा, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो जब पहले तो जन्म हुआ, नंबर वन, फिर ग्रोथ हुई, नंबर टू, और फिर लगा ब्रेक, नंबर थ्री, और फिर और ज्यादा पावरफुल ब्रेक लगा, और जिसके कारण हुआ डीजनरेशन, चीज घटना चालू हो गई, डीजनरेशन, नंबर फोर, और फिर वहीं समा गई जहां से आई थी। इसे हम बोलेंगे एंड, एंडिंग। नंबर फाइव, तो ये साइकिल तो हर जगह चलती ही है। इसी को हम कहते हैं फाइव एलिमेंट की साइकिल, पांच तत्वों की साइकिल। अब चलो हम देखते हैं कि अगर गड़बड़ हुई तो क्या होगा। अगर ये साइकिल गड़बड़ हुई तो होगा क्या? जैसे जब किसी का ये पहली जो अवस्था है आदि, इसे हम कहते हैं यांग, जिसका अर्थ है ग्रो करना, बढ़ते जाना। और जो दूसरी अवस्था है इसको हम कहते हैं यिन, जिसका अर्थ है वापस वहीं पहुंच जाना जहां से निकले थे। अब माना कि यिन फोर्स छुट्टी पर चला गया, यिन फोर्स नहीं है तो क्या होगा? ब्रेक नहीं लगा तो क्या होगा? ठीक है, तो पहले तो जन्म हुआ, बर्थ हुआ, और फिर ग्रोथ हुई। अब ग्रोथ को रोकने वाला तो कोई है ही नहीं, तो ग्रोथ होती जाएगी, होती जाएगी। एक सेल ने पहले तो थोड़ा सा ग्रो किया और उस सेल का साइज बढ़ा, और ग्रोथ हुई तो उस सेल ने अपना और साइज बढ़ा लिया। अब ग्रोथ रुकी नहीं और होती गई, होती गई, होती गई। तो इसे हम कहते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। क्यों हो रही है? क्योंकि रोकने वाला है नहीं। तो जब अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, कहीं भी हो गई, समझो कि ये ह्यूमन बॉडी है,
और ये लिवर है। अब लिवर की सेल्स ग्रो करती चली जा रही, करती चली जा रही, करती चली जा रही हैं, और लिवर में अनलिमिटेड ग्रोथ होती जा रही है, रुकी नहीं रही है। अनलिमिटेड ग्रोथ क्यों हो रही है? क्योंकि यांग फोर्स बहुत ज्यादा है और रोकने वाला यिन है ही नहीं, कम हो गया है। तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, क्या होगा, पता है क्या होगा? अगर किसी को पता है तो बताइए। अगर ग्रोथ रुके ना, होती चली जाए, इसी को तो कहते हैं कैंसर। कैंसर का मतलब क्या है? कैंसर का मतलब है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, रुकी नहीं रही है। ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। अब दूसरा उदाहरण ले लो कि किसी का जन्म हुआ, बर्थ हुआ, और उसकी ग्रोथ होनी थी यहां तक, वो जरूरी है, उतनी ग्रोथ उसके लिए जरूरी है, लेकिन इसका यांग फोर्स कमजोर हो गया तो क्या होगा? यांग फोर्स कमजोर हो जाता है तो क्या होगा? एक बच्चा जो ग्रो करके जिसको इतना बड़ा होना था, वो उसके लिए जरूरी था, लेकिन किसी कारण से यांग फोर्स कमजोर हो गया तो बच्चा थोड़ा सा छोटा रह जाएगा, क्योंकि यांग फोर्स के कारण ही हमारी ग्रोथ होती है, लंबाई बढ़ती है। तो बड़ा तो होना था इतना, इतना बड़ा होना था, लेकिन यांग फोर्स कम हो गई तो वो रह गया छोटा। अब यांग फोर्स में भी दो तरह की ग्रोथ होती है। तो जैसे पहले तो किसी का जन्म हुआ, ये यांग फोर्स है, और फिर इसकी ग्रोथ हुई, यहां तक हमारी यांग फोर्स आती है। तो यांग की दो अवस्थाएं होती हैं, पहला बर्थ और दूसरा ग्रोथ, सिर्फ दो ही अवस्थाएं होती हैं यांग की। तो पहली अवस्था में तो लंबाई में वृद्धि होती है, लंबा लंबा होगा, एकदम लंबा लंबा, खूब लंबाई बढ़ेगी। तो पहली अवस्था में तो लंबाई बढ़ती है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन बहुत तेजी से काम करता है और लंबा करता है, चाहे वो पेड़ हो चाहे वो इंसान हो, पहले वो बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। जैसे कि आप देखो, जब हम 12 साल तक होते हैं, 12 साल तक पहली अवस्था होती है तो बढ़ती है लंबाई, लेंथ, और दूसरी अवस्था समझो अगले 12 साल यानी 12 से 24 साल, ये दूसरी अवस्था है ग्रोथ। अब लंबाई भी बढ़ती है और चौड़ाई भी बढ़ती है, जितनी बढ़ना है यहीं तक बढ़ जाएगी। इसलिए देखो कि जब पहली अवस्था होती है बर्थ, तो मेल फीमेल एक ही जैसे दिखते हैं, लंबे लंबे,
ये मेल और फीमेल, ये 0 से लेके 12 साल तक, क्योंकि ये पहली अवस्था जिसे हम कहते हैं बर्थ की अवस्था और यांग की नंबर वन फेज, और यांग के जो नंबर टू फेज होती है ग्रोथ, इसमें लंबाई भी बढ़ेगी और थोड़ी चौड़ाई भी बढ़ेगी। इवन अगर हम फीमेल्स को देखें तो उनकी भी लंबाई बढ़ेगी और साथ साथ में उनको ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी होगा, वो चौड़ाई है। तो ये सेकंड फेज है, इसमें लेंथ भी बढ़ रही है और विड्थ भी बढ़ रही है, चौड़ाई भी बढ़ रही है। तो फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट ये दूसरी अवस्था में होता है, जो होना भी चाहिए। अब किसी फीमेल ने आके कहा कि मेरी उम्र 20 साल है लेकिन ब्रेस्ट डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो क्या करोगे? पहले डायग्नोसिस तो करो। तो डायग्नोसिस सिंपल सा है कि पहली तो बर्थ की अवस्था थी, तो चलो बर्थ में तो लंबाई बढ़ती है, तो 12 साल तक नहीं हुआ ब्रेस्ट डेवलपमेंट, कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ लंबाई बढ़ाने वाली अवस्था थी। अब दूसरी अवस्था तो ग्रोथ की अवस्था है, जिसमें लंबाई भी बढ़ती है, चौड़ाई भी बढ़ती है, तो लंबा भी होना पड़ेगा, ब्रेस्ट भी डेवलप होना पड़ेगा, और ब्रेस्ट डेवलप नहीं हो रहा अर्थात यांग का ये दूसरा वाला फोर्स कमजोर है, कमजोर है। जैसे किसी ने कहा जैसे किसी मेल ने कहा उस मेल की एज है 18 साल से लेके मान लो 22 साल के बीच का मेल है, और उसने कहा कि मेरी मूछें नहीं आ रही, तो मूछें कब आना चालू होती हैं? मूछें भी बर्थ यानी 12 साल तक नहीं आएंगी तो चलेगा, लेकिन जब अगले 12 से 24 में तो आती हैं, तो पहली अवस्था बर्थ फेज है, दूसरी ग्रोथ फेज है, मूछें नहीं आ रही हैं, हार्मोन की गड़बड़ी है, मतलब यांग फोर्स कम है, ये सेकंड फेज कमजोर है। किसी महिला ने कहा कि मेरी उम्र 19 साल हो गई है लेकिन अभी तक मेंस्ट्रुअल पीरियड चालू नहीं हुआ, तो जनरली अगर हम इन 5 तत्वों की बात करें तो पहले तो 0 से 12 साल, फिर 12 से 24 साल, इस अवस्था में पीरियड चालू होना चाहिए, नहीं हो रहा है मतलब ये कमजोर है, तो यांग को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो जब जिस अवस्था में जो चीज होना चाहिए वो ना हो, उसी को तो ट्रीटमेंट देना हम कहते हैं, हम उसी पर काम करते हैं एज ए एक्यूपंक्चर डॉक्टर, एज ए एक्यूप्रेशर डॉक्टर, एज ए हीलर। हमारा काम है 5 तत्वों को बैलेंस करना,
क्यों नहीं यांग बढ़ रहा है, क्यों नहीं पीरियड आ रहा, क्यों नहीं मूछें आ रही है, क्यों नहीं ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, जब जो चीज जिस अवस्था में होना चाहिए क्यों नहीं हो रही है। बस हम समझ गए, यांग बढ़ा दो। कुछ बिंदु होते हैं, जैसे जो लोग जानते हैं उनको तो पता ही है, CV6, किडनी 7, UV23, SI3, UV62। जिनको नहीं पता उनके साथ तो हम डिस्कस करेंगे, यांग बढ़ा दो, मैटर सॉल्व, मैटर रिजॉल्व, 5 बिंदु से मैटर रिजॉल्व। ये बिंदु उनके लिए लिखे गए हैं जिनको पहले से पता है, जिनको नहीं पता उनको तो सब कुछ समझाया जाएगा। गॉट इट? तो कोई भी आकर आपको, देखो पहली अवस्था में 0 से 12 साल लंबाई बढ़ती है, दूसरी अवस्था में 12 से 24 साल लंबाई भी बढ़ती है, चौड़ाई भी बढ़ती है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि दूसरी अवस्था में लंबाई बढ़ना बंद हो जाएगी, लेकिन जितनी तीव्र गति से पहली अवस्था में होती है वो गति थोड़ी सी मंद हो जाएगी दूसरी अवस्था में, क्योंकि थोड़ी एनर्जी लंबाई को बढ़ाने में और थोड़ी एनर्जी चौड़ाई को बढ़ाने में खर्च होगी। वो है तो यांग की ऊर्जा ही, चाहे लंबाई बढ़वा लो चाहे चौड़ाई। तो किसी भी अवस्था में आपको ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करना हो तो बढ़ाना तो यांग ही पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरी अवस्था का ही काम था। दूसरी अब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कोई 45-50 साल की उम्र में थोड़ी होगा, वो तो दूसरी अवस्था में ही होगा, 12 से 24 साल के बीच में। नहीं हो रहा है मतलब दूसरा एलिमेंट कमजोर है यांग का, उसको ही बढ़ा दो। इतना सिंपल सा होता है, समझ में आ गया ना कि क्या करना है। एक बार आपको बस ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट कब नहीं हो पाता, आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो बस आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। तो हमें सारे पॉइंट को टोनिफाई करने होते हैं। अब जैसे कि मानो किसी का यांग जरूर से ज्यादा बढ़ गया, उसके माता पिता की हाइट है 6 फीट, किसी की भी हाइट 6 फीट से ज्यादा नहीं है, और बच्चा हो गया 7.5 फीट का, फिर कहते हैं इसको जाइजेंटिज्म नाम का एक रोग हो गया, यानी बहुत लंबा हो गया। देखो हम ट्रीटमेंट से कभी भी, हमारे ट्रीटमेंट से कभी गड़बड़ नहीं होता। आप कितना भी यांग बढ़ाओ, जितना चाहिए उतना ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे हॉर्मोन्स में, हमारे जीन्स में गड़बड़ी होती है, उनमें कुछ म्यूटेशन हो जाते हैं और इतना ज्यादा यांग फोर्स हो जाता है कि व्यक्ति की हाइट रुकती नहीं, तो जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाता है, हम कहते हैं जाइजेंटिज्म नाम का रोग हो गया। और कभी कभी उल्टा भी होता है कि जीन्स में कुछ म्यूटेशन हो गया और व्यक्ति बौना रह गया। आपने 3 फीट के लोग देखे होंगे, ड्वार्फिज्म कहते हैं, उनमें यांग फोर्स कम रह गया, तो बौने रह गए, बौनापन आ गया। तो अब देखिए, हम जब बात करते हैं 5 एलिमेंट्स की, तो पहले हमने कहा ये पहली अवस्था है जिसे हम कहते हैं बर्थ, ये दूसरी अवस्था है जिसे हम कहते हैं ग्रोथ, और इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है यांग। फिर ये तीसरी अवस्था है जिसे हम कहते हैं ब्रेक, कि भाई अभी कुछ समय ऐसा होगा
ना तो बढ़ेगी चीज ना घटेगी चीज। और चौथी अवस्था है जिसे हम कहते हैं, अब तो डिजनरेशन होके ही रहेगा क्योंकि चीज को नष्ट करना है, इसको हम बोलते हैं डिजनरेशन या एजिंग, चीज का सूखना, झड़ना, बुढ़ापा। और अंतिम अवस्था है एंडिंग। तो देखिए फाइव एलिमेंट्स में इनको बहुत ही सुंदर नाम दिया गया है। बुढ़ का अर्थ है बर्थ, अब हम बुढ़ बोलेंगे, बुढ़ का अर्थ समझ जाना बर्थ हुआ है। फायर का अर्थ है ग्रोथ, ग्रोथ हॉट यानी अच्छी फायर। ब्रेक को हम बोलते हैं अर्थ एलिमेंट, और डिजनरेशन अब घटना चालू होगी चीज है, इसको हम कहते हैं मेटल एलिमेंट। मेटल, मेटल का मतलब है डिजनरेशन। और फाइनली एंडिंग ऑफ द फेज, इसे हम कहते हैं वाटर फेज। इसमें कोई भी फेज अच्छी या बुरी नहीं होती, जब जिसकी जरूरत हो उसको एक्टिवेट करना ये हमारा काम होता है। इसी को हम कहते हैं फाइव एलिमेंट साइकिल। इसके बारे में बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, एक दिन में हम पूरे एक दिन में एक एक एलिमेंट को समझेंगे, एक दिन में बुध को, एक दिन में फायर को, एक दिन में अर्थ को, एक दिन में मेटल को और एक दिन में वाटर को। काफी विस्तृत अध्ययन है इसका। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आज हम कोई क्विज नहीं करने वाले हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच। अब हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं।